आज ही नमस्ते सबको राधे राधे। आज ऑनलाइन क्लास में कक्षा 9 विषय गणित के अंतर्गत हम अध्याय 7वां है और इसके अंतर्गत हम प्रश्नावली 7.2 उसका प्रश्न नंबर 7वां है इसके बारे में अध्ययन करेंगे। प्रश्नावली आपकी कौन सी है? साथ ही त्रिभुज है और इसमें हम प्रश्नावली 7.2 का प्रश्न नंबर 7 है इसके बारे में अध्ययन करेंगे। सातवां प्रश्न आपके इस प्रकार है, एबीसी एक समकोण त्रिभुज जिसमें कोण ए 90 डिग्री है और एबी बराबर एसी है, कोण बी और कोण सी ज्ञात कीजिए। अब आपको सबसे पहले देखो प्रश्न में त्रिभुज दिया हुआ है एबीसी, लेकिन कैसा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज में भी अपने को कोण ए बराबर दिया हुआ है 90 डिग्री। दूसरा आपने को क्या है इसके अंदर भुजा दे रखी है एबी बराबर एसी, यानी समकोण त्रिभुज है लेकिन समकोण त्रिभुज में कोण ए तो 90 डिग्री का हो गया लेकिन ये दो भुजा है वो दोनों भुजा यानी एबी और एसी दोनों कैसी है? एक दूसरे के बराबर। और आपने को ज्ञात करना क्या ज्ञात करना है? तो कोण बी और दूसरा आपने को कोण सी, इन दोनों कोणों को ज्ञात करना। ठीक है, तो सबसे पहली शर्त के अनुसार तो प्रश्न के अनुसार अपन क्या करेंगे, कच्चा चक्र बना लेंगे। कच्चा चक्र बना के जब हम प्रश्न को हल करते हैं तो थोड़ी प्रश्न को हल करने में आसानी हो जाती है, इसीलिए अपने को थोड़ा ध्यान रखना है कि जैसा प्रश्न उस प्रश्न के अनुसार कच्चा चित्र बना लेना। अब कच्चा चित्र बनाया आपने, देखो आपके सामने बोर्ड पर नजर आ रहा है त्रिभुज, आपके सामने त्रिभुज एबीसी, लेकिन त्रिभुज एबीसी के अंदर भी यहाँ देखो आपको कोण ए बराबर 90 डिग्री है, दूसरा अपने को बी और सी अपने को मालूम नहीं है, अपने को भुजा एसी और इधर से भुजा एबी, ये दोनों भुजा एक दूसरे के बराबर है। दूसरी बात अपने को मालूम है कि बराबर भुजा के सम्मुख कोण भी कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। अभी अपन देख रहे हैं जैसे भुजा आपके पास में एसी और दूसरी भुजा आपके पास में एबी, दोनों भुजा एक दूसरे के बराबर है, तो बराबर भुजा के सम्मुख कोण इस भुजा के सामने ये कोण, इस भुजा के सामने ये कोण, तो दोनों कोण भी कैसे होंगे? बराबर भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अभी अपने को कोण मालूम नहीं है, इसीलिए अपन यहाँ क्या करेंगे, माना कि ये कोण एक्स डिग्री का है, दूसरा कोण ये भी क्या है आपका एक्स डिग्री का, ठीक है ना? यानी कोण सी क्या आपके एबी के सामने आ रहा है, भुजा एबी एबी के सामने कोण सी है, तो कोण सी को अपन ने क्या मान लिया, एक्स डिग्री मान लिया। इसी तरह से भुजा एसी के सामने कोण बी आ रहा है, तो कोण बी को भी हमने क्या मान लिया, एक्स डिग्री। बराबर भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं इस हिसाब से। तो सबसे पहले अपने को क्या इस प्रश्न के हिसाब से कच्चा चित्र बना लेना है। अब प्रश्न को जब अपन हल कर रहे हैं तो हल करते समय प्रश्न में क्या दिया हुआ है, क्या ज्ञात करना है और फिर उसके बाद में इसको किस तरीके से अपन हल कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले प्रश्न में दिया हुआ क्या है, त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण ए 90 डिग्री और एबी बराबर एसी है। प्रश्न में आपको दिया हुआ त्रिभुज एबीसी के साथ एक समकोण त्रिभुज है, दूसरा अपने को कोण ए को 90 डिग्री दिया हुआ है और अपने को दो भुजा बराबर दे रखी है एबी बराबर एसी, ये तो क्या अपने पास में दिया हुआ। ठीक है, उसके बाद अपने को ज्ञात करना, ज्ञात क्या करना अपने को, दोनों कोण बराबर अपने को बताना है, यानी कोण बी और कोण सी का मान अपने को ज्ञात करना। अब उसके बाद अपने को हल करना है, हल करना तो अपने को मालूम है क्योंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है तथा बराबर भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ये बात अपने को ध्यान में है। त्रिभुज के तीन कोण लेकिन तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। दूसरा बराबर भुजा के सम्मुख कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, अब आप देखो त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी के अंदर तीन कोण है, तीन कोण कौन कौन से, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी, इन तीनों कोणों का योग कितना है, 180 डिग्री के बराबर। ठीक है, अब इसके अपने को कोण ए बराबर, कोण ए आपको दिया हुआ 90 डिग्री, ठीक है, तो कोण ए के नीचे लिखेंगे 90 डिग्री, प्लस की जगह वापस प्लस, कोण बी अपने को मालूम नहीं लेकिन कोण बी को अपने मान रखा है, कोण बी को क्या मान रखा है, एक्स डिग्री। ठीक है, तो कोण बी की जगह लिखेंगे अपन एक्स डिग्री, वापस प्लस की जगह प्लस, इसके बाद में कोण सी आ रहा है, तो कोण सी को भी हमने क्या मान रखा है, एक्स डिग्री मान रखा है। ठीक है, तो कोण एक्स की जगह अपन लिखेंगे, सॉरी कोण सी की जगह लिखेंगे अपन कोण एक्स डिग्री। ठीक है, कोण सी की जगह इसका मान क्या, अपने एक्स मान रखा है इसलिए एक्स डिग्री, और बराबर इनका योग कितना है, 180 डिग्री।
ठीक है, यानी हमने क्या किया, तीनों कोण की जगह अपन ने कोण का मान रख लिया। दूसरी बात, अपन ने यहाँ पर कोण बी और कोण सी की जगह एस डिग्री निकाल, क्यों निकाल, क्योंकि बराबर भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, इसलिए कोण बी और कोण सी दोनों बराबर बराबर है, लेकिन कोण अपने को मालूम नहीं, इसलिए अपन ने क्या किया एस डिग्री निकाल यहाँ पर, और बराबर इन तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री के बराबर होता है। अब आप देखो वापस निपट डिग्री की जगह निपट डिग्री प्लस की जगह प्लस एक्स डिग्री प्लस एक्स डिग्री इन दोनों का योग करेंगे तो कितना हो गया यहाँ पर 2x डिग्री हो गया, बराबर की जगह बराबर 180 की जगह 180। अब ये आपके सामने समीकरण के रूप में पक्षांतर करेंगे, अपन पक्षांतर करेंगे निपट डिग्री का, तो 2x डिग्री बराबर क्या देगा 180 माइनस निपट डिग्री, पक्षांतर करेंगे निपट का तो ये माइनस का, क्योंकि अब यहाँ क्या है प्लस का निपट है, जैसे अपन पक्षांतर करेंगे तो माइनस का निपट डिग्री, ठीक है, तो 2x डिग्री बराबर 180 डिग्री माइनस निपट डिग्री। वापस 2x डिग्री की जगह 2x डिग्री ये तो ऐसे कैसे बराबर की जगह बराबर, अब आप 180 डिग्री में से माइनस कर दीजिए निपट डिग्री, आपके पास क्या बचा निपट डिग्री बचा, यानी 2x डिग्री बराबर निपट डिग्री। अब उसके बाद वापस अपने को x का मान ज्ञात करना है, तो x बराबर क्या हो जाएगा निपट डिग्री बटे हुए 2 का भाग अपन निपट डिग्री में देंगे कितना 45 डिग्री, यानी x का मान अपने पास भी क्या आ गया 45 डिग्री आ गया। अब x डिग्री अपने माना था, x एक कोण b को मान रखा और एक कोण c को मान रखा है, तो कोण b x डिग्री है, तो कोण b x डिग्री, तो कोण b का मान कितना हो गया x का मान 45 डिग्री, तो कोण b का मान भी कितना हो जाएगा 45 डिग्री। इसी तरह से कोण सी है, कोण सी को भी अपन ने एक्स मान रखा है, तो एक्स का मान अपने पास में कितना है 45 डिग्री आया, तो कोण सी का मान भी कितना हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा। इस तरह से हमारे पास में कोण बी और कोण सी का मान कितना हो गया 45 डिग्री 45 डिग्री। दूसरी बात, बराबर भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो दोनों कोण बराबर बराबर ही आ रहे हैं अपने पास, यानी कोण बी और कोण सी दोनों का मान कितना है 45 डिग्री आएगा। तो इस तरह से हमने क्या किया, इस प्रश्न को हल करने की कोशिश की। आपको भी वापस क्या करना, इसी प्रश्न का एक बार पुनः दोहरान करना, लेकिन इसके पहले अपन क्या करेंगे वीडियो को अच्छी तरीके से देखेंगे, उसके बाद ही अपन क्या करेंगे इस प्रश्न को पुनः HW की कॉपी में हल करने की कोशिश करेंगे। HW बराबर हल करते रहना है और वीडियो को बराबर अपने को अच्छी तरीके से देखते रहना, ठीक है। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।